वेलकम इन द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ एलोल केम। और इस लेक्चर से हम लोग कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। कंपाउंड का नाम है क्लोरोफार, पहला कंपाउंड ले रहा हूं। इसके प्रिपरेशन के लिए दो तरीका भी हमने यूज किया है। पहला फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नेसेंट क्लोरीन देगा। ये नेसेंट क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में, यानी CH3CHO में। देखिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये अब sp3 ही है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो दोबारा जब रिएक्शन होगा तो ऐसे में यहां से तीनों एच पी निकलेंगे तो CCl3CHO बन जाएगा, इसका नाम क्लोरल है। अब ये जो CCl3CHO बना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरोफार बनाएगा और कैल्शियम फार्मेट बनाएगा। दूसरा तरीका है फ्रॉम एसीटोन। अब यहां पे एसीटोन को फिर हम इसका रिएक्शन कराते रहे इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ब्लीचिंग पाउडर से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग होगा और नेसेंट क्लोरीन अलग होगा। यही नेसेंट क्लोरीन एसीटोन से रिएक्शन करेगा, देखिए यहां से तीन के तीनों हाइड्रोजन अलग हो गए, तीन HCl मिल गए, और इसके दो मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोफार एक मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा और बाय प्रोडक्ट हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। ये दो रिएक्शन समझ में आया होगा। लैब मेथड जो पहले रिएक्शन हम लोग पढ़े थे वही है। देखिए उसमें करना क्या है, बस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, 100 ग्राम हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया, 200 ml वाटर, 25 ml इथाइल अल्कोहल, फिर इसको हमने जोड़ दिया कंडेंसर से। देखिए एरो इधर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए ये वाटर कंडेंसर होगा, अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आप लगा देंगे तो स्टीम कंडेंसर हो जाएगा। तो चूंकि हमें वाटर कंडेंसर चाहिए तो ये वाटर का इनलेट हो गया और ऊपर से आउटर जो है ये आउटलेट हो गया। हीट करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, वही जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे नेसेंट क्लोरीन बनेगा और यह नेसेंट क्लोरीन फिर जो है चेंज हो जाएगा क्लोरीन गैस में। सेकेंड स्टेप में 25 ml इथाइल अल्कोहल था, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, फिर एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनेशन होगा तो क्लोरल बन जाएगा और क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब यहां से जो फ्यूम्स है वो क्लोरोफॉर्म की बाहर जाएंगी, वाटर कंडेंसर है इसकी वजह से ठंडा होगा और ड्रॉपलेट्स नीचे इकट्ठा हो जाएगा। देखिए वी आर हैविंग क्लोरोफॉर्म हियर एंड वाटर हियर। तो बस ये डायग्राम बनाना था, रिएक्शन भी पहले वाला है। दिस इज द लैब मेथड व्हिच वी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम समझ चुके हैं, प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहले बात तो क्या, इसको स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि स्टोरेज एक टफ समस्या है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये सनलाइट के टच में आएगा और जैसे ही ऑक्सीजन के टच में आता है इट गेट कन्वर्ट इन द फास्ट जीन गैस जो पॉइजनस होता है। दिस इज द रीजन इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर वाटर, और उसमें हम 5% तक के इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि मान लीजिए कहीं फास्टजीन गैस बन गई तो ये इथाइल अल्कोहल उसको डाई इथाइल कार्बोनेट में चेंज करता है जो नॉन पॉइजनस है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल, व्हाई अ लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज एडेड इन द बॉटल। आंसर कह देंगे सिंस इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर in presence of sunlight to get converted the phosgene gas, that's why it is stored in dark color bottle and this ethyl alcohol convert phosgene into the diethyl carbonate which is the non poisonous, that's why a little amount of ethyl alcohol is used. Next property is reduction. Reduction dekhiye hum chloroform ko reduce kar rahe hain zinc aur HCl se, yahan zinc granule ke form mein, तो नंबर ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन कम है, ये डाइक्लोरोमीथेन में चेंज होगा। अगर हम बजाय ग्रेन्यूल के जिंक डस्ट ले लेते हैं
तो ये चेंज हो जाएगा मीथेन में और HCl में. हाइड्रोलिसिस NaOH या KOH ले लीजिए, ये एक्वस होगा. तो तीनों पोटेशियम ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 3KCl या 3NaCl अलग हो जाएगा. अब एक ही कार्बन से तीन OH ग्रुप जुड़ गया. द मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, कन्वर्ट इनटू द फॉर्मिक एसिड. यह फॉर्मिक एसिड फिर उसके वजह से रिएक्शन करेगा और पोटेशियम फॉर्मेट बना देगा. नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन. क्लोरोफॉर्म ऑन नाइट्रेशन फॉर क्लोरोपिक्रिन व्हिच इज यूज्ड एज द वार गैस. एक बार फिर से देख लीजिए, स्टोरेज फिर रिडक्शन में दो तरीका, जिंक और HCl से कराएंगे तो डाइक्लोरोमीथेन, जिंक डस्ट और H2 से कराएंगे तो मीथेन. हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अगर आप एक्वस NaOH लेंगे तो सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, एक्वस KOH मैंने लिया है इसलिए पोटेशियम फॉर्मेट बनाए. नाइट्रेशन कराएंगे, आप चाहें इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को HONO2 लिख सकते हैं. तो इसके पास का OH और यहां से एक H, H2O अलग हो गया और NO2 आके उससे जुड़ गया. जी अगला रिएक्शन है डी हैलोजिनेशन रिएक्शन, या इसको आप डी क्लोरिनेशन भी कह सकते हैं. हमने क्लोरोफॉर्म लिया, सिल्वर पाउडर के साथ अगर इसको गर्म कर दें तो AgCl अलग हो जाएगा और एसिटिल बन जाएगा. एक नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, पहले भी कई बार आ चुका है. प्राइमरी अमीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मतलब दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय द प्राइमरी अमीन, और हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कंपाउंड हमारा प्राइमरी अमीन है. करना क्या होता है कि प्राइमरी अमीन लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे, NaOH लेंगे, हीट करेंगे तो एक बहुत ही बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड. तो उसकी स्मेल से ही पता लग जाएगा कि हमारा कंपाउंड प्राइमरी अमीन है प्लस NaCl एंड H2. इस रिएक्शन का कीवर्ड था NaOH शुड बी अल्कोहलिक. अगर आपने अल्कोहलिक नहीं लिखा तो पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा. तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, वेयर प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अल्किल आइसोसाइनाइड अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल एंड सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड. द नेक्स्ट इज द रिमर डीमैन रिएक्शन. नेम रिएक्शन है, देखिए फिनॉल, दिस कंपाउंड इज फिनॉल. सो फिनॉल ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 340 केल्विन फॉर्म सैलिसिलिक acid, you can say 2-hydroxybenzaldehyde, or one more name we can give, 2-hydroxybenzaldehyde and sodium chloride along with water molecule. तो इतने के साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया एक कंपाउंड जिसका नाम था क्लोरोफॉर्म. हम लोग पढ़े मेथड ऑफ हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज विथ द लास्ट नेम रिएक्शन एज रिमर-डीमैन रिएक्शन. गुड लक, थैंक यू. अगला रिएक्शन है डी हैलोजिनेशन रिएक्शन, या इसको आप डी क्लोरिनेशन भी कह सकते हैं. हमने क्लोरोफॉर्म लिया, सिल्वर पाउडर के साथ अगर इसको गर्म कर दें तो AgCl अलग हो जाएगा और एसिटिल बन जाएगा. एक नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, पहले भी कई बार आ चुका है. प्राइमरी अमीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मतलब दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय द प्राइमरी अमीन, और हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कंपाउंड हमारा प्राइमरी अमीन है. करना क्या होता है कि प्राइमरी अमीन लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे, NaOH लेंगे, हीट करेंगे तो एक बहुत ही बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड. तो उसकी स्मेल से ही पता लग जाएगा कि हमारा कंपाउंड प्राइमरी अमीन है प्लस NaCl एंड H2. इस रिएक्शन का कीवर्ड था NaOH शुड बी अल्कोहलिक. अगर आपने अल्कोहलिक नहीं लिखा तो पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा. तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, वेयर प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म
and alkaline sodium or potassium hydroxide, it gives alkyl isocyanide, a bad smelling compound, along with water molecule and sodium or potassium chloride. The next is the Riemer-Deamann reaction. Name reaction hai, dekhiye. Phenol, this compound is phenol. So phenol on reaction with chloroform in presence of NaOH at 340 Kelvin form salicylidehyde, or you can say 2-hydroxybenzaldehyde, or one more name we can give, R2-hydroxybenzaldehyde and sodium chloride along with water molecule. तो इतने के साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया एक कंपाउंड जिसका नाम था क्लोरोफॉर्म. हम लोग पढ़े मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज विथ द लास्ट नेम रिएक्शन एज रेमर टीवन रिएक्शन. गुड लक.